हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है कल की डेट में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पर बनाई गई थी उन वीडियोस को होप आपने देखा होगा और देखा होगा तो अच्छे खासे रिटर्न मिलते ही है आज नहीं मिले होंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम वेट कर लेंगे तो ऑब्वियसली अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे बाकी ऑपरेटर से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी बातें की गई है कुछ दिनों से शेयर काफ़ी थे जो ऐसे बताने लायक थे कि अगर बात करें उनमें कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स की न्यूज की वजह से या फिर किसी वजह से यहाँ पर लोगों ने नहीं खरीदे तो इसकी वजह से अगर बात करें हमारी आज भी मार्केट गिरी हुई थी बट स्टिल कुछ स्टॉक जैसे कि अवंती फीड्स अतुल ऑटो एज वेल एज हिंदुस्तान एरोनाटिक और सुब्रोज़ जो हमारे ये पिक थे जो हमने कुछ दिन पहले इन अ मंथ ही हमने पकड़े थे अच्छे खासे भागते हुए दिखाई दिए आज की डेट की बात करें आज की डेट में भी हम एक आपके लिए स्टॉक लेके आए हैं काफी बेहतरीन स्टॉक है उससे रिलेटेड बातें करेंगे और उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक में आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं आने वाले टाइम में तो मैंने यहाँ पर पोजिशन ऑलरेडी बना ली है अपने आपको खुद की ड्यू ड्यूटिलीजेंस करनी है खुद की स्टडी करनी है उसके बेस पे यहाँ पर पोजिशन बनानी है और आज की डेट में बहुत सारी वीडियोज आएंगी उन वीडियो को देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको लगेगी मिलती हुई दिखाई देगी बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर आपको सीखना है

आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हम जिस शेयर से लेटी बातें करने वाले हैं उसका नाम है वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी करती गया है उससे रिलेटेड बातें करेंगे फंडामेंटल फाइनेंशियल सब्ज देखेंगे आज के दिन में देखे तो देखिए यहाँ पर अच्छा खासा भागा था फिर एक फ्लैट ट्रेड यहाँ पर आकर बात करें तो फ्लैट ट्रेड था आज के दिन में कुछ खास ट्रेड नहीं था अगर फाइव डेज का चार्ट पैटर्न देखे अच्छी खासी यहाँ पर रैली है वन मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए एक अच्छी खासी गिरावट है या कह सकते हैं कंसोलिडेशन है और सिक्स मंथ की बात करें तो अच्छे खासे लेवल से ये करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है वन ईयर की बात करें तो अच्छा खासा ये शेयर यहाँ भागा है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कभी ये बारह सौ रुपये भी शेयर हुआ करता

पर कंपनी ने डिविडेंड दिया और तीन साल ही कंपनी को आते हुए भी हुआ है ज्यादा टाइम नहीं हुआ है बात कर रहे हैं यहां पर इस कंपनी के 75% परसेंट के शेयर प्रमोटर्स के पास है कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है तो यहाँ पर सारी चीजें पर पर अच्छी खासी नजर आ रही है अब कंपनी से रिलेटेड पहले कुछ यहाँ पर हुई थी वैरोक इज द ग्लोबल वन ऑटोमोटिव कंपोनेंट ग्रुप इट इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग ऑटोमोबाइल्स अ वाइड रेंज ऑफ़ अक्रॉस द ग्लोब तो मतलब इंडिया में ही नहीं अक्रॉस द ग्लोब ये काम करता हुआ नजर आता है और यहाँ पर अपने ऑटोमोबिल्स ओई एम्स यहाँ पर बेचता हुआ नजर आता है ओई एम्स का मतलब क्या होता है जो आपके ये जो कार और यहाँ पर टू व्हीलर विला, थ्री व्हीलर में जो उसके पार्ट्स बनते हुए नजर आते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं अगर बात करें और भी कुछ चीजों की सॉरी <coughs> तो यहाँ पर आप देखिए ब्रांड रेपुटेशन इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन ऑटो कंपोनेंट ग्रुप एंड एज टी लीडिंग टीयर वन मैन्युफैक्चर टू इंडिया टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर ओ तो मार्क करें देखिए ओ में बहुत सारी कंपनी मिंटा इंडस्ट्री काम करती हुई नजर आती है आ, आ, अगर बात करें एंड सोमी एज वेल एज एजेटीटी यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है बट ये में, ये भी कंपनी अगर बात करें लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एज वेल एज यहाँ पर लीडिंग कंपनी काम करती हुई नजर आती है ये और यहाँ बात इट इज दिक्स लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सटीरियर ऑटोमोटिव लाइटनिंग मैनुफैक्चर लाइटनिंग मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसमें दुनिया की छठे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है एंड वन ऑफ द टॉप थ्री इंडिपेंडेंट एक्सटीरियर लाइट प्लेयर तो टॉप थ्री में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट यहाँ देखिए फोर्ट जैगवार जो है कि फोर व्हीलर में काम करते हुए नजर आते हैं बजाज होंडा एंड मेनी मोर इसमें ये अगर बात करें टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर यहाँ पर कंपनी जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाती है इन कंपनी को इनके बड़े बड़े क्लाइंट इस चीज को देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें इट इज डिजाइन मैन्युफेक्चरिंग सप्लाई एक्सटीरियर लाइटिंग सिस्टम मतलब ये ओ एम्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर वो सब चीज यहाँ पर बता रखी है कि इट हैज लॉन्च सेवन न्यू प्रोडक्ट्स अगर बात करें प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू

का का शेयर है एक तरीके समझ सकते हैं वाइज की बात करें यूरोप में 49 का इनका आता हुआ थोड़ा सा बट कोई नहीं है कहीं जापा कभी ज्यादा होता है कहीं कम होता है और या अमेरिका की बात करें वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिखा दिया है यहाँ पर और भी कुछ चीजों की बातें करें तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अपना एक्सपेंशन बहुत ज्यादा किया है यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्होंने पहले कर्ज ले रखा था दो में अभी इन्होंने कम कर दिया जो कि मैं आगे दिखाऊंगा आपको तो सेवेंटी अगर बात करें इन्होंने इन्होंने एक्सपेंशन में बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर खर्च किया जो कि हम देखेंगे तो यहाँ पर इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है यहां पर इन इस चीज को देख लीजिएगा इस चीज को आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्विजीशन किया हुआ है कुछ कंपनीज कार का यहाँ पर अगर बात करें दो में यहाँ पर सेवेंटी के शेयर तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड है एक बार इनकी वेबसाइट पर जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जो ये पार्ट्स है ये सारे के सारे ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है और बड़े बड़े ग्रुप के लिए ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है पार्ट्स, बिजनेस पॉलिमर यहाँ पर ये सारे के सारे कंपनी इन्हीं चीजों में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है तो एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और जीरो की मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है फाइव थाउजेंड सेवन नाइन्टी वन करोड़ रुपीज की कंपनी है स्मॉल कैप में हमेशा वॉलिडिलिटी दिखाई देती है जो कि आपको हमने देखा भी है बट अभी अपॉर्चुनिटी है तो इसलिए यहाँ पर इस शेयर को बता रहे हैं डेट की बात करें रहे एटी वन परसेंट का डेट है बट कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन में यहाँ पर पैसा खर्च होता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेफालतु तो खर्चों में पैसा खर्च होता है तो कोई बहुत इशू होता है प्लेस की बात करें यहाँ पर कोई भी शेयर प्लेस नहीं है जो अच्छी बात है यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर देखिए कंपनी के पेयर तो आपको पता ही है ऑटो

हजार फिर बनवे हजार दस सॉरी बनवे सो यहाँ पर अस्सी आठ हजार फिर यहाँ पर बात करें दस हजार बारह हजार यहाँ पर एक गिरावट थी आपको पता ही और फिर भी बात करें तो हाईएस्ट दोबारा नंबर आने शुरू हो गए तो कंपनी कंसिस्टेंसी से यहाँ पर रेवेन्यू कर रही है अच्छा खासा आप यहाँ पर प्रॉफिट था यहाँ पर बीच में आपको पता ही है पेंडामिक एंड ऑल बट फिर भी यहाँ पर कंपनी अभी लॉस में दिखाई दे रही है कंपनी पहले बिल्कुल अच्छे खासे प्रॉफिट में थी और सत्रह करोड़ से चार सौ पच्चीस करोड़ बट यहाँ चेंज होने वाली है बहुत जल्दी और तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अब यहाँ पर बात करें रिजर्व की तो यहाँ पर देखिए तीन करोड़ का यहाँ पर रिजर्व है और मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यों 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 प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी यहाँ पर जो नेगेटिव यहाँ पर दिया है ना यहाँ पर एक्सपेंसिज यहाँ पर कुछ ज्यादा होते हुए दिखाई दे रही है कुछ

सौ करोड़ की फिक्स है सर मतलब क्या है मतलब ये है कि यहाँ पर अगर बात करें सी डब्ल्यू आई पी में सात सौ नब्बे करोड़ वर्क इन प्रोग्रेस में यहाँ पर हमेशा पैसा लगा रहता है लगा रहता है जिसकी वजह से कर्ज है और अगर बात करें यहाँ पर तो यहां पर इस चीज को देखिए इसमें जितने भी फोर नाइनटी से 494 नाइनटी यहाँ पर बीच में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा काम होता हुआ जो भी दिखाई दिया सीधे यहां पर uh, फिक्स में बढ़ता हुआ अभी भी अगर बात करें वर्किंग प्रोग्रेस में चार सौ चौरानबे करोड़ रुपए लगे हुए हैं जब ये चार सौ चौरानवे करोड़ यहां पर जीरो दिखा देगा ना और यहां पर जब फिक्स एसेट बढ़ती हुई नजर आएगी तो समझ लेना ये जो uh, ये सारे के सारे जितने ये फिगर है ना ये ऑटोमेटिकली चेंज होते हुए दिखाई देंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी का थ्री का है कैश की बात करें सात करोड़ का कैश है और इस जो भी कैशर दिखाई देता है सारा इनकी बुक में दिखाई देता है एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं गया ऊपर नीचे जरूर हुआ है बट नेगेटिव कभी भी नहीं दिखाई नहीं दिया आरओसी अभी नेगेटिव दिखा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पैनामिक एंड ऑल अगर अगर बात करें यहाँ पर यहाँ पर मेन चीज है यहाँ पर देखिएगा प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए अगर बात करें एटी फाइव रुपीज पे सॉरी एटी फाइव परसेंट के शेयर थे और आपको पता है तीन साल के अंदर अंदर सेवेंटी फाइव करने होते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने सेवेंटी फाइव इसी क्वार्टर में किया है सेवेंटी फाइव परसेंट के शेयर आ, अब अब जब एक इस चीज में जब ये सब चीज चेंज हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली यहां पर सब चीज बढ़ती हुई नजर आती है और शेयर प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आता है जिसका मैं लाइव एक्जाम्पल भी दूंगा एफ की बात करें एफ ने देखिए कहाँ पर जीरो की होल्डिंग थी कहाँ पर पांच की होल्डिंग विद इन दो क्वार्टर कर ली है डी की बात करें डी आई ने देखिए पांच से पंद्रह की होल्डिंग कर ली है इस चीज को ध्यान दीजिए ये सब चीज ये सारे के सारे अट्रैक्टिव काउंटर्स है और यहाँ पर बात करें पब्लिक की पब्लिक के पास देखिए पहले ज्यादा थे फिर यहाँ पर पब्लिक से हम निकाले जा रहे हैं शेयर क्यों क्योंकि यहां पर शेयर को भगाना है पांच परसेंट के शेयर है केवल पब्लिक के पास इसमें भी देखिए ऑपरेटर्स भी होंगे और सारे के सारे लोग एच एन आई बड़े बड़े लोग होंगे जब जो कि इस शेयर को ऑब्वियस बात है इन्होंने अभी खरीदा है और अच्छा खासा भगाएंगे अब बात करते देखिए यहाँ पर दिसंबर से आ, मार्च के बीच में खरीदे गए हैं यहाँ पर बहुत सारे शेयर एफ आई के थ्रू जो कि ओएफएस के थ्रू खरीदे गए हैं तो आपको बताना चाहता हूँ उन्होंने भी ये जो शेयर खरीदे ना उन्होंने भी शेयर इसी यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्राइस के आसपास हैं बल्कि और महंगे प्राइस पे ही उन्होंने खरीदे होंगे कम या, या तो खरीदे होंगे और इसी प्राइस के आसपास ये शेयर चल रहा है अब पहले बताता हूँ देखिए जब ओ आता है ना जब तक ओ नहीं आता तब तक सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल अलग ही दिखाई देती है अगर मैं आईसेक की बात करूँ तो आईसेक का शेयर ना यहाँ पर अगर बात करें इसी लेवल पर चलता था पाँच रुपए के आसपास और फिर अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर एक ओएफएस 450 के आसपास आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था उसके बाद एक अच्छी तरह से गिरावट आई और मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था और आज की डेट में अगर हम शेयर का प्राइस देखते हैं तो सात सौ से ज्यादा का यहाँ पर शेयर प्राइस है और ओ आने के बाद ना पूरी की पूरी यहाँ पर हिस्ट्री चेंज हो जाती है यहां पर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा देखिए ओ एफ एस आया सेवेंटी सेवन सेवनटी नाइन थोड़ा थोड़ा कम किया फिर लास्ट में एक ओ एफ एस आया दिसंबर मार्च में और सारी हिस्ट्री चेंज होती हुई दिखाई दी फिर उसके बाद जो शेयर प्राइस भागा क्योंकि ओ एफ एस के रीजन से लोग यहाँ पर शेयर नहीं लेते हैं ऐसी ऐसे ही यहाँ पर बात करें क्योंकि ओ एफ एस हमेशा डिस्काउंट पे आता है आई आर सी टी सी के के केस में भी हुआ है आई आर सी टी यहाँ पर ओ एफ एस आया फिर शेयर यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें यहां पर देखिए ओ एफ एस आता हुआ दिखाई दिया था और फिर आज की डेट में बात करें शेयर यहाँ पर भाग गया इसी तरीके से बात करें यहाँ पर इस शेयर की तो हम बात करते हैं इसमें बेहतरीन डिस्कस कर ली है कंपनी ने अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा अच्छा खासा पैसा अगर बात करें ऑलरेडी अच्छा 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 यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रखा है और अगर हम बात करते हैं एक चार्ट पैटर्न की तो एक छोटा सा कप हैंडल पैटर्न बनता हुआ भी नजर नजर रहा है जो कि हमें अच्छा खासा है यहाँ पर गेन मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि बहुत बेहतरीन यहाँ पर गेन मिलता हुआ ब्रेकआउट हमेशा यहाँ पर जब आता है तब होता हुआ दिखाई देता है बट ब्रेकआउट होने का वेट नहीं करना होता ब्रेकआउट को पकड़ लिया जाता है टाइम से पहले और उसके बाद अच्छे खासे पैसे बनाए जाते हैं जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब अगर तो हम यहाँ पर से इसे उठा के सॉरी अगर हम यहाँ पर इसे उठा के रख देते हैं तो अच्छा खासा गेन यहाँ पर नजर आ रहा है और कितने परसेंट का गेन नजर आ रहा है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर देखिए पांच सौ इक्यावन पांच सौ इक्यावन रुपए का यहाँ पर ये यह शेयर प्राइस जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी करंट से अगर हम देखते हैं ये कितना गेन होता है तो इस सॉरी अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं इस चीट को तो यहाँ पर देख लीजिए ये 50 परसेंट के गेन होते हैं और जो कि मुझे लग रहा है कि एक साल के अंदर अंदर आ जाएंगे एक साल भी हमें वेट नहीं करना होता है एक साल तो बस हम कहने की बात होती है ये ऑटोमेटिकली ये जब इस तरीके के सब कुछ हो चुका है तो आया, आई आईसेक में आने में कितना टाइम लगा कुछ भी टाइम नहीं लगा इसी तरीके से इसमें भी आने में कुछ टाइम लगेगा बहुत टाइम और बहुत फेवरेबल यहाँ पर शेयर चल रहा है 200 हंड्रेड के आसपास ये ट्रेड कर रहा है एज वेल एज 47 के सेवन आर एस पे है और जब यहाँ पर एक बार ये शेयर पहुंचेगा तो दोबारा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये जो इसका ऑल टाइम हाई था

डिलीवरीज आनी शुरू हो गई है तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करे शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस